जैन मेरा जो कैरेक्टर है जैन अब्दुल्ला का कैरेक्टर है, और जैन जो है एक बहुत रिच फैमिली से है, मॉडर्न लड़का है, आज के ज़माने का कैरेक्टर है और उसका बहुत ही कंटेम्प्रेरी आउटलुक है। और लंदन रिटर्न है, पढ़ाई लंदन से करके आया है, अभी वापस अपनी फैमिली के पास आया है। बहुत ही चार्मिंग और फ्लेमबॉयंट लड़का है और बहुत स्ट्रॉन्ग एडिट भी है, बट डीप डाउन इज आउट इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत ही क्यूट लड़का है। सो दैट इज़ बेसिकली जैन। आलिया इज अ मुस्लिम गर्ल फ्रॉम भोपाल, शी इज वेल एजुकेटेड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बेसिकली, एंड या वेरी टूडेज गर्ल, काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड नथिंग वेरी कंजर्वेटिव अबाउट हर एज सच। फॉर हर आई थिंक उसके जो उसका उसके लिए आलिया के लिए उसका परिवार, उसके कजन्स आर हर वर्ल्ड, यू नो, एंड देन देन इज समबडी हुम शी हेट्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड, but then she ends up getting married to him. See, what I believe is that no matter how different or similar the character is, you still have to work on the character. So, मैं थोड़ा इस बात से agree नहीं करता कि आप कितने similar या different हैं, but आपको अलग रखना चाहिए एक real life character जो आप real life में और real life में जो हैं, वो different होना चाहिए. But I think the rapport with Alia and her cousins and with me and my cousins is pretty similar. अगर प्यार की बात करें तो किस प्रकार का प्यार दिखेगा आप दोनों के बीच? बहुत आपको नफ़रत भी दिखेगी, प्यार भी दिखेगा, और इनिशियली नफ़रत है, बाद में प्यार तब्दील होता है। सो बहुत तरह के इमोशंस के दौर से गुजरेंगे जैन और आलिया, और आप पूरा इमोशनल ग्राफ देखेंगे जैन और आलिया का। सी मेरा जो एटलीस्ट कैरेक्टर है वो बहुत मॉडर्न है, जैसा मैंने कहा, तो वो इतना ज़्यादा उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं है, बहुत मॉडर्न है, तो इंग्लिश हिंदी उर्दू मिक्स है, बट स्टिल थोड़ा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वी स्टिल वर्क ऑन इट। आई हैव बीन वॉचिंग सम पाकिस्तानी सीरियल्स, सो या आई थिंक शो हिंदुस्तान के ऑडियंस के लिए है, एंड वी आर केटरिंग टू एवरीबडी, ऑल द स्टेट्स, सो वी कांट हैव टू मच ऑफ उर्दू, सो उर्दू ज़्यादा नहीं है, हिंदी है, बट उर्दू के हम अल्फाज यहाँ वहाँ इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। या आई थिंक जैसा कि अभी प्रतीका ने बताया कि जिस तरह से हमने इसको शॉट किया है वो एकदम फिल्म के तरीके से हमने इसको फिल्माया गया है, और हमने एक्सटेंसिवली भोपाल का आउटडोर बहुत अच्छा कवर किया है, जो एग्जॉटिक लोकेशंस हैं भोपाल की सारी कवर की हैं, और कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा है, जो कॉन्टेंट है शो का वो बहुत फ्रेश है एज़ कम्पेयर टू अदर शोज़। सो अभी तक ऐसा कॉन्टेंट आई डोंट थिंक टेलीविजन पर आया है, and since it's a Muslim backdrop, so I think it all combined together makes a very good package. You guys have been together for quite some time, so how has the bond been so far? How is it so far? It's been great. As Pritika is a very professional girl, very professional co-star, and that professionalism reflects on the screen as well. So I think on screen it's amazing, and she's a very great co-star to work with. I mean, we do rehearse together and, you know, give our suggestions how we should go about the scenes, and I think it's really amazing the way we have been working together, and I think it's going to go better as the show progresses.